रामनगर में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से ठहर गया है। तो वहीं बारिश के कारण कई बरसाती नाले भी पूरी तरह उफान पर हैं। इसके साथ ही कोसी बैराज का जलस्तर भी लगातार बढ़ने लगा है। कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के SDO राजीव खनूलिया ने बताया कि मंगलवार की रात से लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और मुरादाबाद क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए वहां के प्रशासन को सूचना दे दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि लगातार बारिश के चलते अभी बैराज का जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। तो वहीं मंगलवार की रात ग्राम ढिकुली के पास एक बरसाती नाला अचानक उफान पर आने के बाद एक टाटा सुमो वाहन इसमें बह गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाते हुए वाहन में सवार 4 लोगों को नाले से बाहर निकालकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां वाहन में सवार प्रकाश फुलारा निवासी द्वारा हार्ट की हालत गंभीर होने के बाद प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने हल्द्वानी स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी 3 घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये 4 लोग दिल्ली से अपने घर पूजा में शामिल होने जा रहे थे। इसके अलावा ग्राम टेढ़ा में स्थित बरसाती नाला भी उफान पर आने के चलते घंटों तक इस नाले के दोनों ओर वाहन फंसे रहे। मौके पर पहुंचे कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने अपील करते हुए कहा कि बरसात के देखते हुए नालों को पार न करें, जलस्तर कम होने के बाद ही नालों को पार करें। उन्होंने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए ऐसे सभी स्थानों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, आज सुबह से तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ पे काफ़ी पानी है, वो बोल्डर के रूप में जो कि नदी नालों में आ रखा है। मेलगढ़ वाले की भी आज यही स्थिति रही और लगभग यहाँ 20 से 25 मिनट हमारा यातायात बाधित रहा। दोनों ओर से गाड़ियाँ लगी थी क्योंकि ऊपर से बोल्डर पत्थर आ रहे हैं। थोड़ा कम होने पर और ट्रैफिक को हमारे द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है और लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है।